और ये देखिए भाई, बंद हो चुकी है हमारी रोपवे। पता नहीं उन्होंने की अपने आप रुक गई है, क्या है पता नहीं, पर फिलहाल हमारी रोपवे बंद हो चुकी है। ये है हमारा नसीब, लक, फेट। यहाँ भी कुत्तों और बंदरों की लड़ाई है। ये देखो भाई, हमें नहीं पड़ना है बीच में, दूर रहो भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं शिमला में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं था मैक्लोडगंज में, तो मैक्लोडगंज से मैं शिमला कल सुबह सुबह 6:30 बजे निकल चुका था बस में, जो कि वो बस ने मुझे आई थिंक 4:15 बजे इधर उतार दिया था। तो फिर उसके बाद कुछ करने की हालत में नहीं था तो मैं सो गया डिनर करके। तो आज हम निकल चुके हैं शिमला घूमने के लिए। तो शिमला में हूँ आज और कल, 2 दिन। तो 2 दिन में हम शिमला कवर करेंगे और फिर निकल जाएंगे एक और नई जगह पे, वो आपको बाद में पता चलेगी। पर अभी दो दिन हैं तो 2 दिन शिमला तो घूम ही लेते हैं भाई। पहले करेंगे नाश्ता, फिर जाएंगे बस पकड़ के। आई थिंक जाखू टेम्पल जाने की मेरी इच्छा है वहाँ, क्योंकि वह रोप वे भी है। तो नाश्ता हो चुका है ख़त्म और अब जाएंगे जाखो टेम्पल। बस से उतर कर हमने पैदल ही जाना शुरू कर दिया है। मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि 1.2 किलोमीटर से है भाई, मुझे यहाँ उतार दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा पैदल ही। मसाले के साथ आते वक्त ट्राई करेंगे। यही मॉल रोड है, यही वाला, पर उसकी रौनक रात को कुछ अलग ही होती है। दिन में तो भाई अपने अभी अभी तो स्टोर खुल रहे हैं। भैया जी, ये वो जाखो टेंपल के लिए जो रोपे होती है ना, वो किधर से मिलती है? इस रास्ते से। सब कोई उल्टे फुलटे रास्ते दिखा रहा है, गूगल कुछ अलग दिखा रहा है, लोग कुछ अलग बोल रहे हैं। शिमला में रहने आओ, लंग्स की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। फाइनली वी आर हियर, जाखू रोप वे। अभी जाती है कि नहीं रोप वे मुझे नहीं पता, आ गए हैं फिर भी। और ये है इसका पहला व्यू। सर जी, टेंपल जाने के लिए कितने का मिलेगा एक टिकट? किट 550 पे पड़ी।
टू वे की 550 में पड़ी भाई। अगर मैं नहीं लेता, अगर मेरे उसमें पैसे नहीं बच जाते, क्योंकि जो मैं रुका हूँ ना वो धर्मशाला है एक्चुअली, और उसका पर डे का रेंट है 200 ओनली। तो यार फिर इधर आते हैं तो थोड़ा इतना तो खर्चा करना बनता है ना, तो फिर ले लिया। 550 का है, 1 किलोमीटर लंबी है लाइन, तो मज़ा तो आने वाला है, देखते हैं। डिटेल्स देखो कितना डिटेल बनाया है ये। आज भी देखो आज तो ये है हमारे अमिताभ बच्चन सर, बिग बी। यहाँ से ऊपर चढ़ना है पर फिर रोप वे आपकी वेट करती होगी, तो चढ़ जाना है उसमें सिंपल। चलो बैठ गए हैं भैया। थैंक यू। तो ये थी अपनी जाखो टेम्पल रोप वे, पर मुझे नहीं लगता, वो बंदा बोल रहा था कि 1 किलोमीटर लंबी है, मुझे नहीं लगता ये 200-300 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी। ऐसे स्लोप मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है पर लंबी नहीं है, दैट्स व्हाट आई हैव कंक्लूडेड। बाद में पता नहीं, और यहाँ बंदरों की भरमार है, यहाँ भी कुत्तों और बंदरों की लड़ाई है। ये देखो भाई, हमें नहीं पड़ना है बीच में, दूर रहो भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। वो तो खींच देगा, पूरा मंदिर जल जाएगा। और ये है जाखो मंदिर, ये देख रहे हो बंदर जी। ये थोड़े जो हमारे गुजरात राजस्थान में बंदर होते हैं ना, लंगूर जिनको बोलते हैं, वो लंगूर है। और ये दिल्ली साइड देखने को मिलते हैं छोटे छोटे वाले, तो उन दोनों का मिक्सचर लग रहा है मुझे। जय श्री हनुमान। अगर इस जाखू टेम्पल आ ही रहे हो तो ये भी देख लो, तो भैया ये था हनुमान जी टेम्पल जाखो। एक बात और बता दूं कि रोपवे वर्थ नहीं है, अगर आपसे चढ़ा नहीं जाता तो सिर्फ चढ़ने के लिए 250 दे दीजिए, और उतरना तो आप वैसे भी उतर ही सकते हो यंग हो तो। तो मुझे लगता है मैंने गलती कर दी 550 पे करके, मैं 250 में भी ऊपर आ सकता था, और ऊपर आने के बाद तो भाई नीचे तो कोई भी उतर सकता है, उतरने में बहुत एफर्ट्स नहीं लगते। आ गई है अपनी बारी, लग गया।
और ये देखिए भाई, बंद हो चुकी है हमारी रोपवे। पता नहीं उन्होंने की अपने आप रुक गई है, क्या है पता नहीं, पर फिलहाल हमारी रोपवे बंद हो चुकी है। ये है हमारा नसीब, लक, फेट। भाई गिरा मत दियो, चल बड़ी चल बड़ी चल बड़ी। तो फाइनली 15-20 मिनट के बाद हमारी रोपवे फिर से चल पड़ी है। एक बार तो भाई टेंशन होने लगा था कि गिर वीर गई तो क्या होगा करके, पर चलो अंत भला तो सब भला। वी आर गोइंग डाउन फाइनली। ये है कुछ कुछ ऐसा है रोपवे का प्रीमाइसिस। तो ये था रोपवे। पार्टी 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 पार्टी। और ये है क्राइस्ट चर्च जो कि अभी बंद है, तो नहीं नहीं। और ये इससे आगे से शुरू होता है ये लक्कड़ बाजार और मॉल रोड, और यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ आके आप कुछ चिल कर सकते हो, जो कि यहाँ रात का मौसम कुछ अलग होता है। बस यार शिमला में तो इतना ही है, अभी लक्कड़ बाजार और ये मॉल रोड रात को आएंगे तो अभी उसका कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ एक ओपन आइस स्केटिंग का भी है प्रॉपर्टी, तो वो मैं खोज रहा हूँ, अगर मिल जाती है तो वहाँ ओपन आइस स्केटिंग भी कर लेंगे, वरना तो दूसरा कुफरी है, बर्फ़ देखना है तो वहाँ जा सकते हो। पर मैं मनाली में देख के आया तो उसका भी कोई दुख नहीं बनता। तो यार मैं आया था यहाँ बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम में, पर ये बंद है यार, गेट बंद है उसका, और कुछ कोई बंदा भी नहीं है इधर जिससे मैं बात कर सकतूँ। तो अभी क्या करें, अभी निकलना पड़ेगा। शिमला में ज़्यादा कुछ वैसे घूमने को है नहीं, देखते एक दो और प्लेसेस है जिसको हम आज कवर कर सकते हैं तो करेंगे। हमें स्पेशल केस में एंट्री मिली है इस गेट से, ज़्यादातर ये गेट बंद रहता है, ऊपर से एंट्री होती है जो मैंने दिखाया था पहले, पर वहाँ कोई था नहीं तो मैंने सोचा एक बार यहाँ गेट ही लगा देते हैं, और उन सर ने बोला कि यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। तो हम आ चुके हैं बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम में, छोटा सा ही है पर देखते हैं अभी कितने रुपये। सर जी 30 रुपीज़ छूटे होंगे, छुट्टे 10-20। तो यार मेरे पास छूटे नहीं थे, तो अंकल ने बोला कि लाओ मैं लेके आता हूँ, तब तक आप देखिए। तो देखते हैं अभी, बरसाती टोपी छड़ी छाता रहता है। ये दिखाता है कि टनल बनाते वक्त ये जो होते हैं ना, जो शीशे बोलते हैं उनको, टनल बनाते वक्त शीशे का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। जैसे कि हमें ये देखो अगली साइड का दिख रहा है, तो मतलब वहाँ से देख सकते थे आप कि मतलब कोई आ रहा है कि नहीं, वैसे करके। ये सब सील्स है, जो सील लगते थे ना पहले वो सील्स है। फिर टिकट पंचिंग मशीन भी है, टिकट्स जैसे छपती थी वो वाली मशीन। ये वाली टिकट्स तो अभी तक मैंने मेरे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरे मामा का घर है वहाँ तक की रेलवे चलती है, तो
ये वाली टिकट तो मैं मतलब छोटा था तभी मैं लेता था मेरे मामा के घर जाते वक्त, तो वो तो मुझे याद है अभी तक। बाकी ये कोल बॉक्स है, फिर ये कुछ मतलब कोयला पकड़ने के लिए रहे होंगे फिर। और आपको पता ना हो तो कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, जो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, मतलब उसको प्रोटेक्शन मिला है वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ से। जब कालका शिमला रेलवे स्टेशन बंद लाइन बन रही थी, तब बाबा भालकू ने इंजीनियर्स को बहुत गाइड किया है, अंग्रेज इंजीनियर्स को, तो उनको डेडिकेट किया हुआ है ये म्यूज़ियम, बाबा भालकू रेलवे म्यूज़ियम, जो कि ये ओल्ड बस स्टैंड के एग्जैक्ट नीचे, यहाँ ऊपर ये बिल्डिंग के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर बसें खड़ी हुई है, तो आपको मतलब मिल जाएगा ये। और आना बनता है, एक बार देखना बनता है कि मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन है वो कैसी थी पहले और अभी क्या है। अभी तो खैर थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ होगा, पर पहले क्या था वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूर विज़िट करना बनता है, कु रेलवे म्यूज़ियम। बस यहीं उतर दो मुझे भैया, रोक दीजिए। ओके बाय। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बर्ड पार्क इज क्लोज ड्यू टू मेंटेनेंस। इतनी दूर आके ये देखने को मिलता है भाई, मैं 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चल के आया हूँ, वो भी चढ़ के। डिसअपॉइंटमेंट होता है यार ऐसा कुछ होता है तो। आज के लिए इतना ही था, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।